गाइस माने अभी छक्के चौके दाई मेरा बुरा हालत हुआ, फिर मैंने दिला पानी पिया, फिर मेरा हालत ठीक हुई। Hey, good morning everyone. Welcome back with a new vlog. आज का प्लान हम लोग हरिद्वार जाने का। पापा हरिद्वार चलना है। हेलो राजा, व्हाट्स अप? दीपू तो आके बोल लो ना, उनको पागल बनाओ। वो सीधा ना जो आपने ताले रखा था ना, उससे मैं आउट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, बाहर नहीं जा सकते। इस गेट से बाहर अभी अलाउड नहीं है जब तक शाम नहीं होगी, ठीक है शिवाय? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? मैं तो वीडियो देख रहा हूं। आज हम लोगों को निकलना है पंजाब शाम को, मतलब चंडीगढ़, और फिर शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। मुझे एक्वागार्ड आवाज क्यों कर रहा था, पटकेगा क्या? तो क्या नाम लेते हैं, अभी हम लोग हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं गाइस। शॉपिंग करते हैं फिर निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। मतलब मैं और खुशी जा रहे हैं यहाँ से, पीयूष भाई और को ड्रॉप करेंगे हम लोग रास्ते में। उसके बाद ये लोग कल हमारे पास आने वाले हैं, इनको कुछ ज़रूरी काम है चंडीगढ़। शुभांशु को, सिड को और आर्य को। भाई मैं तो अपने काम से आ रहा हूँ, इलीगल काम से। अब ये इलीगल लोग हैं। नहीं तुम तो आ रहा अपने इलीगल काम से, ये अपने इलीगल काम, ये इलीगल काम निपटाने आ रहे हैं। बस अप ब्रो, बस अप। हाँ जी भाई, ये 3D जैसे मजे तुम चुरा के ला रहे हो ना मूवी थिएटर से। ये तो इलीगल काम है हमारा, ये तो इलीगल है, व्यापार खोल दिया हमने। ये तो बिजनेस है हमारा। चले भाई यार, जैसे चलो लेट, अब तुम लोग लेट कर रहे हो, मेरा काम खत्म हो गया। क्या कर रहा भाई, स्विफ्ट निकालो जल्दी। यार मतलब तेल लगता है, कितना एवरेज दिया होगा हैरियर ने इस बार पूरी ट्रिप पे? मुंबई से जब आए 18-19 का, 17.5 के आसपास। 27 तो चले सही। तुम पहले उसमें सामान निकालो, पत बोरी उसमें। गाइस फिलहाल हम लोग घर से निकल चुके हैं और शॉपिंग करनी थी, और इसलिए हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। मतलब जो ज़ुडियो है और भी जितने ब्रांड है वो हमारे आसपास हरिद्वार में, रुड़की में बहुत कम ब्रांड है। तो अभी जाके वैसे शॉपिंग करेंगे हम लोग, और कल पंजाब जाना है हमें। किस वजह से जाना है वो पंजाबी जाके बताएंगे आप लोगों को। अर्जेंट जाना पड़ेगा एकदम से। हैरियर लेके जाऊंगा इस बार मैं, बिकॉज हैरियर की सर्विस होनी है। जैसे कि आप लोग पता, रास्ते में उस पर थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए जल्दी चलते हैं शॉपिंग करते हैं और कुछ रास्ते में खाते हैं। बहुत भूख लगेगा इस बहुत तेज। फिलहाल हम लोग घर से निकल रहे हैं, निकलने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज बीच में शॉपिंग करने चला गया था जैसे कि आप लोगों को पता है, और अभी हम लोग निकलते हैं। ओके बेटा, बाय बच्चा, बाय। अच्छा सॉरी, आप तो साथ जा रही हो। ओके गाइस, काफी अच्छा लगा। और दीदी और भाभी औरों को हम ही ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो बच्चा पार्टी हमारे साथ जा रहे हैं। माँ से हम दूर हो, तो माँ को नमस्ते बोल। चलो बच्चा लोग गाइस बाय। अंकल आ रहे हो ना तुम लोग, काम मेरा सामान लेके आ जाओ, ठीक है? डोंट बी लेट गाइस, बाय गाइस। थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। यार मेरे पास इतने सारे भाई हैं, पता नहीं कौन कौन से शहरों में पड़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइस, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए कुछ हमें। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैक टू चंडीगढ़। अभी फटाफट सामान निकालते हैं, अभी रात का 2:30 बज गया, मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है आप लोगों के लिए। फाइनली हम लोग फ्लैट पर आ चुके हैं। एक चीज और खुशी, हम ही बंद कर दिए थे लास्ट टाइम, याद है? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हमने थैंक्स टू गॉड उस टाइम ये डिसीजन बना लिया था कि हम यहाँ फ्लैट ले लेते हैं। वरना पता क्या होता है, अब वजह होती है हमारे पास इस फ्लैट पे आने की, और हम लोग स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं। जब भी और जाते हैं, मोस्टली हम लोग यहाँ रुकते हैं। सही बात है, और हमारा बूट भी यही है ना, एक तरीके से देखा जाए हमारा काम करने का बूट भी चंडीगढ़ मोहाली पंजाब, यहाँ से हम लोगों ने बहुत काम किया है अपने कैरियर की स्टार्ट करने में। अपने घर आ गए, अब हमें सब चीजें पता है कि भाई ये हमारा हॉल है, यहाँ किचन है, यहाँ सामान हम रख के जाते हैं। जैसे हमें पता है हम सुबह ओट्स खाने वाले हैं, तो जैसे खोलूंगा दालें रखी हैं, ओट्स कहाँ गए? ओट्स भी थे ना लास्ट टाइम मैंने बनाए थे, बहुत सारा सामान है लेकिन ओट्स कहाँ है? ओट्स देखता हूँ कहीं रखे होंगे। आपको क्या लग रहा था, इतनी ईजी लाइफ है एक क्रिएटर की कि घर पे आए और पढ़ के सो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। और घर आते ही खुशी ने कर दिया वर्कआउट चालू। वर्कआउट तो कर ही रही है, साथ में आप लोगों के लिए कंटेंट बना रही है। ये आप लोग देख सकते हो, जो कि आप लोग खुशी के फेसबुक एंड स्नैपचैट पे देखोगे, ये आपको हेल्प करेगा। मतलब जो वर्कआउट आप देख रहे हो, इस वर्कआउट से हेल्प होगी उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने अपना प्रेगनेंसी के बाद वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के ऊपर फैट आ गया है। तो उन गर्ल्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए ये वर्कआउट रूटीन आपके साथ शेयर करेगी, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके आप लोग फेसबुक पे देखना एंड हमारे फेसबुक और स्नैपचैट को फॉलो कर लेना। सो गाइस रात को काम कर करके भूख लग गई है, तो सोने से जस्ट पहले हम लोगों ने एक रोल मंगवाया था, हाफ हाफ खा के फिर सोते हैं। मैंने गाड़ी वॉश करा के कैसी करके रखी हुई है। फिलहाल हमारे साथ जो हमारी गाड़ी की सर्विस होनी थी हैरियर की, जो कि हम लोग बॉम्बे से लेके आए थे, इस बार लफड़ा एक हो गया कि उसमें मुझे लग रहा था कि एक मेजर सर्विस है वो होगी और हमें गाड़ी मिल जाएगी होपफुली शाम तक, लेकिन एक पंगा हो गया, वो गाड़ी शाम को नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कुछ।
तो इसीलिए गाड़ी मिलेगी हमें दो दिन बाद। अब लफड़ा ये है कि आज अर्जेंटली पंजाब जाना है, उसके लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत है, जो कि मैंने फिर से आर्य को फ़ोन किया कि आर्य प्लीज़ इंडावर लेके घर से मेरे पास आ जा। सो आर्य होपफुली शाम को मतलब थोड़ी बहुत देर में निकल जाएगा वहाँ से, उसके बाद वो चंडीगढ़ आएगा, तब हम इंडावर लेके पंजाब के लिए निकलेंगे, तो हम लेट हो जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे खुशी क्या कर रही है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्या कर रही है। हाँ जी, बस उधर तक जाओ ही मत, बारिश बारिश की वजह से हुआ ना, बारिश पड़ती रहती है हमारी, बारिश पड़ती रहती है, उधर की बालकनी भी साफ करती है, पोछा लगाना रह गया, फिर वर्कआउट। मेरे को लफड़ा हो गया है, बताओ आ रहे हैं वो पहले बच्चे निकल गए घर से, बनाना शेक पिएंगे गाइस पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन कर रहा है बनाना शेक पीने का। आरी और मेरे पास आ चुके हैं फिलहाल, भाई और आ चुके हैं, तब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे भाई, हम ना छोड़ नहीं गए। नाइस कार ब्रो, वीआईपी नंबर्स के साथ चलते हैं, थोड़ा सा एक दिन का भी छोड़ दे, ब्लैक अगर नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने सब्सक्राइबर तो व्लॉग्स का मजा लो। सो गाइस फिलहाल हम लोग हैं चंडीगढ़ में, आप लोगों को पता ही है सभी काम के लिए, किसी काम के लिए हम लोग पंजाब गए थे, फिर हम लोग चंडीगढ़ अपने फ्लैट पे रुके, यहाँ पे हमें गाड़ियों का बहुत सारा काम था। सो फाइनली खुशी अगर हम बात करें, आज हमारी हैरियर भी ओके रिपोर्ट है, घर जाने के लिए तैयार है, और जो हमारी इंडेवर है वो भी ओके रिपोर्ट है, वो भी घर जाने के लिए तैयार। अगेन जो हमारी थार है उसमें और 4-5 दिन लगेंगे, तो थार को हम अगेन यहीं पे पार्क करके जाते हैं, फिर दोबारा कभी आएंगे उसको उठा के लेके जाएंगे। खुशी ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, सुबह ही बनाए हैं पराठे सब लोगों के लिए, जो कि एक सेकंड रुक जाओ, उन्होंने पता ना लग जाए पैकिंग के। हाँ, सो खुशी ने ना खुशी ने पराठे बना दिए, और ये पता नहीं ऐसे क्यों बना दिए, बिल्कुल जैसे बाहर से लाए हो। एक कमरे में हमारे बच्चे पराठे हैं, तो भाई इतने तेज है, उन्होंने गेट बंद कर लिया अपना। माजे ने सोने देने के आज वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था अर्जेंटली बननी है, और फिलहाल उसके लिए मैं हो चुका हूँ रेडी, और अभी जल्दी से वीडियो बनाते हैं। बच्चे ने तो भाई हद कर दी, उन्होंने तो उठ भी नहीं रहे, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी उठ गए थे लोग, इनकी भी गलती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब उठना पड़ेगा क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, कच्छा गैंग भी आ गया है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए, थैंक यू। ये हम राजा को देंगे इसमें से एक चॉकलेट, राजा को, कितने क्यूट बच्चे थे ना। अब पता क्या करता, पहले तो राजा वेट करता था, अब तो उनकी जेब में टकरा एक दिन एक दिन मैं देखा, तो जो शुभांशु के पापा है ना भाई, तो वो ना राजा के लिए जब भी हमेशा आते हैं, मतलब आते हैं और चॉकलेट लेके ही आते हैं, तो अब राजा पहले मांगता था कि मुझ चंकल आप चॉकलेट लाओ, और वो क्या करता है भाग के मतलब जेब में, मैं रिक्रिएट करता हूँ पकड़ो, जैसे राजा है और ये वो है, तो जैसे वो खड़े राजा आएगा ऐसे आराम से लटका रहेगा। नमस्ते राजा। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मोहित सर के पास, और हमारा आप लोगों को पता है स्किन का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि बॉम्बे भी चल रहा है, जब मैं बॉम्बे होता हूँ वहाँ पे सेटिंग ले लेता हूँ, और जब मैं चंडीगढ़ होता हूँ तो हमेशा मैं मोहित सर के पास ही आता हूँ। ये है मोहित धवन सर, अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, एंड स्किन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, खुशी की भी सेटिंग चल रही है, मेरी भी चल रही है। हेलो मोहित सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत टाइम बाद। सो ये हमारे मोहित भैया हैं, और इनके बारे में भी बात कर रहा था मैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे खुशी की जो है वो ट्रीटमेंट चालू हो गया है, ये दीदी आप मुझे भी सिखा दो मशीन चलाना है। हाँ, क्योंकि एसी तेज चलाना पड़ता है ना, इसके अंदर मेरी सनस्क्रीन जो सर ने मुझे रिकमेंड की थी, और हमेशा यहाँ पे नंबर, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है बाहर चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स लिखी है, टेक स्क्रीनशॉट, एंड अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गाइस जूडियो स्टोर बंद हो गया, हम लोग जूडियो आए थे और हमारे देखते देखते स्टोर बंद हो गया। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा ना काफी टाइम बाद, और मेरे हिसाब से पहली बार भी ऐसा हुआ है कि हमारी तीन कार एक जगह होगी, एक अब भी मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, सो वहाँ खड़ी है थार, यहाँ खड़ी है एंडेवर, और यहाँ खड़ी है हैरियर। वाओ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आदि यार कितना अच्छा लगता है ना तुम्हें मेरे ऊपर प्राउड फील होता है। सिस्टम सिस्टम भाई, और अपने पैसों का अपने दम पे भाई। वर्कआउट करके हम लोग आ चुके हैं, एंड दिखाइयो क्या क्या सामान। ये सामान मैंने जिम में मंगवा लिया था पास वाले स्टोर से, क्योंकि जाके पनीर खाएंगे प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और मैंने सोच लिया कुछ बनाने का, एक टमाटर था, एक और एक प्याज था, टमाटर का तो ये बना दिया है, इसमें चटनी के लिए और कुछ भी नहीं है, मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, पर घर में टमाटर के अलावा और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग राजा, मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग, हेलो यूवी, गुड मॉर्निंग राजा, हम तो यही खेलेंगे, आप मैं मम्मा यूवी चारों भाई। वाओ, मांगो सेट,
ठीक है गाइस, खुशी को फीवर हो गया, मुझे फीवर हो गया, माँ को भी, पापा को भी, सबको फीवर। नहीं हमें सॉरी, मुझे फीवर, खुशी को फीवर, और अभी हमारा प्लान था बाहर जाने का, मतलब तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम, मैं, राजा, यूवी, खुशी, हम चारों यहीं पे रुक जाएं, पीयूष भाई इंक्लूडिंग पीयूष भाई, और ये लोग चले जाएं, पता पता लेके आ जाएं, फिर आ जाओ, फिर कल को मैं चला जाऊंगा। डोल घी के, घी बेसन के, घी का, घी भी डालना, तो टेस्ट कैसा आएगा? बहुत सारे डाला घी, मखाने, पता नहीं क्या क्या डाला इसमें, सारे जितने ड्राई सब मैंने, तो माँ ने बना दी मेरे लिए पिनिया, निनिया, टिनिया, पिनिया, जवान बच्चे, माँ मेरा भाई कुछ हमें छोड़ के आ रहा है, नहीं कह रहा की शाम को तब आ जाओ, वहाँ से दावत करवा, पार्टी ऑर्गेनाइज। खाना आ चुका है हम लोगों का, खुशी बना के दे रही है रोटी, माँ और पापा जा चुके हैं पता लेने के लिए सबका, और यू भी मेरा साथ दे रहा है खाना खाने में आज, बीटरूट की रोटी है, साथ में है लौकी की सब्जी, पनीर खाओगे? मटर पनीर से तो ये ठीक लगती है, मटर पनीर का जो पानी होता है ना, कढ़ाई पनीर खिलवा दूं? कढ़ाई पनीर है? नहीं है। हाँ नहीं है बाबू, कढ़ाई पनीर दे देना यूवी को एक कटोरी। आप रात तो आए हो, मुझे पता होगा ना, मेरे घर से जाना, मुझे तो पता, शाम को मैंगो शेक पियोगे? पिलाते हैं कौन? पापा। आप पे आते हैं बनाना? क्या 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 डालता है उसमें? बस किसी को आम छीलना पड़ेगा। राजा मैं आपको खिला दूं एक बाइट और? हाँ जी, तो बड़ा हो गया, आप बड़े हो गए, आप छोटे हो गए। और राजा रात कहाँ चला था? ऊपर ऊपर। और मैं और यूवी अभी बनाने लग रहे हैं मैंगो शेक, आधा आधा मुझे आता है, आधा आधा यूवी को आता है, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कल मेरी और खुशी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, और माँ लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो यार, आपकी स्किन आपकी बहू से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिना कुछ करे हुए। ओ ग्लोइंग फेस, मैं धोना भी नहीं अभी। ओ देखो माँ, माँ देखो, आपने कहा मेरा तो इसलिए लग रहा होगा, मैंने मुंह में धोया तो तेरे में नहीं। मेरे बाबू तो बहुत सोना, देखो माँ मैं पीली हो गई। एक पापा इतने ब्यूटीफुल, पापा पापा जूस पिला। हेलो कुणाल, हाउ आर यू भाई? ये दो बच्चे हैं घर में, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा दिमाग से बड़े नहीं हो पा रहे, वैसे बड़े हो गए। तबीयत खराब थी तो हम लोग सो गए, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने टी शर्ट की वो चेंज करी, तो मैं बताती हूँ, मैं बना रही थी चिले, और चिले का सारा बैटर रेडी था, तो ये वाला जो बैटर है ये सारा घुमाते टाइम मेरे ऊपर गिर गया, पूरी सफाई करनी पड़ी मुझे, जितना काम कम करने की कोशिश करी उतना बढ़ गया, यहाँ से तो पूरी क्लीनिंग कर दी मैंने, ये पूरा यहाँ गिर गया था, बस यहाँ नीचे रह गया थोड़ा सा। गाइस माने अभी चक्की टोपी गाई, मेरा बुरा हालत हुआ, फिर मैंने जिला पानी पिया, फिर मेरा हालत ठीक हुई, फिर मैंने भी खट्टी टोपी खाई, मुझे तो वो नॉर्मल लगी। कैमरे में सबको बता दो अब किसका ज्यादा प्यार करते हो, किसी को बताएंगे नहीं हम, बताएंगे पीछे पे व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे, प्ले बटन है तो एक और प्ले बटन आ जाएगा।